विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में हिंदुस्तान अखबार की पहल हिमालय बचाओ अभियान के तहत विद्यालय के समस्त छात्रों, कार्मिकों, शिक्षकों सहित कुल 407 लोगों ने हिमालय बचाने की शपथ ली। प्रधानाचार्य दीपचंद्र जोशी ने शपथ दिलाते हुए कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान अनियंत्रित हो गया है, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, जंगल सूख रहे हैं, समुद्र में तेजाब का स्तर बढ़ता जा रहा है तथा ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे पृथ्वी और आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व को खतरा है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा और अपनी पृथ्वी को हरा भरा और स्वच्छ रखना होगा, साथ ही हिमालय बचाओ जैसी मुहिमों में भी आगे आना होगा। बताते चलें कि नगर क्षेत्र के विद्यालयों में हिमालय बचाओ विषय पर भाषण प्रतियोगिता भी हुई थी, जिसमें छात्र छात्राओं ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। पर्वतराज दुनिया के बड़े भूभाग के लिए जलवायु जल जीवन और पर्यावरण का आधार है। इसके गगनचुंबी शिखर हमें नई ऊंचाई छूने की प्रेरणा देते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिमालय की रक्षा का हर संभव प्रयत्न करूँगा। ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे हिमालय को नुकसान पहुँचता हो। जय हिंद। आज विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में हिंदुस्तान अखबार की पहल हिमालय बचाओ अभियान के तहत सभी विद्यार्थियों ने, विद्यालय स्टाफ ने हिमालय बचाने की प्रतिज्ञा ली। वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान अनियंत्रित हो रहा है, कहीं बहुत अत्यधिक वर्षा हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ की स्थिति है और हम जो ग्लेशियर हैं वो टिकुड़ते जा रहे हैं। जितने भी औद्योगिकरण की वजह से कल कारखानों का कचरा है वो नाले नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुँच रहा है और समुद्र में सबसे तेजाब का स्तर बढ़ रहा है। तेजाब के स्तर बढ़ने से समुद्री जीव जंतुओं के अस्तित्व को खतरा पड़ रहा है, हमारी जैव विविधता को खतरा हो गया है। जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं उस पृथ्वी के अस्तित्व को खतरा हो गया है, आज हमारी भावी पीढ़ी के अस्तित्व को खतरा है। अतः हम चाहे छात्र हों, शिक्षक हों, अभिभावक हों, अथवा अधिकारी हों, कर्मचारी हों, मजदूर हों, किसान हों, समाज के किसी भी वर्ग से हों, तो हम सब लोगों का दायित्व है कि हम अपने द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों को कर इस पृथ्वी के बचाने की, हिमालय को बचाने की, अपनी नदियों को बचाने की मुहिम में आ गए हैं। अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा हिमालय को बचा सकते हैं। हम पॉलीथीन को प्रकृति से ना करके हिमालय को बचा सकते हैं। हम बिजली का दुरुपयोग रोक के हिमालय को बचा सकते हैं। कूड़े को कूड़ेदान में निस्तारित करके हिमालय बचा सकते हैं, क्योंकि कहा गया है पृथ्वी मेरी माता है, धात्री है पृथ्वी, पृथ्वी है घर आंगन मेरा, जन्नत है पृथ्वी, उसे समझें, उसे सवारें, उसे बचाएं, क्योंकि पानी मात्रता के आश्रय है पृथ्वी। इन्हीं फसलों के साथ मैं सभी छात्रों का आह्वान करता हूँ कि वो अपने विद्यालय को, अपने घर आंगन को, अपने परिसर को, अपने मोहल्ले को, अपने नगर को, अपनी सड़कों को, अपने खेल मैदानों को, अपनी नदियों को साफ सुथरा रखेंगे। और आपके चैनल के चैनल के माध्यम से मैं सभी मंत्री संतोष करना चाहूँगा। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।